हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ. यस, सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कहीं पे भी आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है. तो आपको लॉ भी पता होना चाहिए, जिसे हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं, एज वेल एज यू शुड नो हाउ टू प्रूव इट. तो इसको प्रूव कैसे करते हैं? सो देखो, इसको प्रूव करने के ना दो तरीके होते हैं. एक तरीका होता है थ्रू ट्रुथ टेबल और दूसरा तरीका होता है थ्रू बूलियन आइडेंटिटीज. तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी. तो सबसे पहली बात है कि डी मॉर्गन लॉ होता क्या है. सो डी मॉर्गन लॉ आपके पास क्या है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, जिसमें हम दो लॉज पढ़ते हैं. एक होता है मल्टीप्लीकेशन का, एक एडिशन का, कि अगर एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट किया जाए सो दैट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इन टू वाई कॉम्प्लीमेंट. मतलब अगर पूरे का कॉम्प्लीमेंट होता है तो अंदर जो टर्म्स हैं उन सिंगल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस की जगह पर एंड हो जाएगा, एंड की जगह पर प्लस हो जाएगा. सो इसका आंसर होगा ये. सो ये दो आपके पास लॉज है, ये वाली और ये वाली, दोनों ही डी मॉर्गन्स का पार्ट है. नाउ अगर मुझे इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करना है तो बहुत ही ईजी है. आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, मतलब पॉसिबल इनपुट्स जो बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ चार. तो 0011 एक्स हो सकता है, वाई विल बी 0101. हमें इसमें क्या क्या चाहिए? x का कॉम्प्लीमेंट विच विल बी 1100, y का कॉम्प्लीमेंट विच विल बी 1010. देन मुझे x प्लस y चाहिए, तो x प्लस y इज 00111. x एंड y चाहिए, दैट विल बी 0001. अब हमें चाहिए x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, ये चीज. सो ये आपके पास आ रही है 1000. फिर आपको चाहिए x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट. सो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो इट विल बी 1110. अब ये जो x प्लस y आपने निकाला था, इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. सो x प्लस y का होल कॉम्प्लीमेंट, x प्लस y का होल कॉम्प्लीमेंट इज 1000. ये था आपका x प्लस y, तो उसका होल कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा. जहाँ जीरो था वहाँ वन कर देंगे, जहाँ वन था वहाँ जीरो हो जाएगा. एक्स एंड वाई का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 0001 है, तो ये 1110 हो जाएगा. सो अब पहली लॉ का एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज लॉ वन का लेफ्ट हैंड साइड. और इसका राइट हैंड साइड क्या है? एक्स कॉम्प्लीमेंट इन टू वाई कॉम्प्लीमेंट, वो रहा ये. सो यू कैन क्लियरली सी दैट इट्स इक्वल, है ना. सो एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट आपको सेम रिजल्ट दे रहा है ट्रुथ टेबल में. सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. दूसरी लॉ अगर देखते हैं तो उसका एल एच एस ये है और उसका आर एच एस ये है. सो दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये भी सेम है 1110 1110. सो हम यहाँ पे कहेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हिंस प्रूव्ड. तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी कि भाई इतने ईजिली हो गया, है ना. सो ये तो बहुत ही ईजी है, पर जब आपको कहा जाता है कि बिना ट्रुथ टेबल के प्रूव करना है, आपको इसे आइडेंटिटीज के थ्रू प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे? वो थोड़ा सा ट्रिकी है. उसमें हमारे पास इसको ना ओपन करने के लिए कुछ है, ना ही आपके पास कुछ और तरीका है. तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अजम्पशन लेते हैं. हम करते हैं अजम्पशन कि मान लो ये सही है. सो एज्यूम इट्स ट्रू, ठीक है. अगर ये ट्रू है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ कि x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज जीरो, है ना. तो आप कोई सी भी आइडेंटिटी ले सकते हो, बस इतना ध्यान रख लो कि अगर यहाँ बीच में प्लस है ना तो ट्राई टू टेक द मल्टीप्लीकेशन वन, कि x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है. तो देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं. अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि लेट, अब मैं इसको x की जगह पर आपको p इंटू पी कॉम्प्लीमेंट लिख के दिखा देती हूँ कि p इंटू पी कॉम्प्लीमेंट शुड बी जीरो. एनी वेरिएबल यू टेक बेसिकली, कि किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आना चाहिए. तो अब इस p की जगह पर हम x प्लस वाई पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट. अब मुझे ये देखना है कि ये मुझे जीरो में रिजल्ट देता है या नहीं. तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये डी मॉर्गन्स लॉ सही है. एज पर दैट मैं इसको ओपन कर सकती हूँ. तो मैं इसको ले सकती हूँ ऐसे, x प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. मैंने ये ले लिया. अब मैं इसको क्या करूँ, अब मैं इसको ओपन करती हूँ किससे,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहती है कि अगर आपके पास x इंटू वाई जेड है तो आप उसे क्या कह सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस जेड है। हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई है इंटू हो रहा है ना, तो आप इस चीज़ को पहले ले लो, मतलब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दिस इज क्यूमिटेटिव लॉ। सो एज पर क्यूमिटेटिव लॉ हमने इसको उल्टा लिख दिया। अब एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बन जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट y, है ना। सो दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट x प्लस दिस थिंग। अब इसमें फिर से अगर हम एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो ए बी सी में आगे पीछे किसी को भी कर लो, मल्टीप्लीकेशन सेम ही होती है, 2 इंटू 3 इंटू 4 करो या 4 3 इंटू 2 करो, एनी हाउ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, और ये तो सही है, तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट इंटू y इज जीरो, ये तो आइडेंटिटी है, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये जीरो आ गया, तो अभी मेरे पास आई ये वैल्यू, और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही होता है, विच रिजल्ट्स इन अ जीरो। सो हिंस प्रूफ्ड, तो उसने इस लॉ को सही प्रूफ कर दिया, मतलब ये अजम्पशन हमारी सही थी। अगर ये प्रूफ ना होता तो हम कहते कि अजम्पशन गलत है, बट दिस अजम्पशन जो हमने लिया था उसको जब हमने इस एक्सप्रेशन में पुट किया ऑन दी राइट हैंड साइड, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, सो अगर हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ गया है इसके। सो दैट मीन्स हमारी अजम्पशन सही है एंड वी प्रूव कि डी मॉर्गन्स लॉ सही होती है। सो अगर आपको इसमें दूसरी वाली लॉ प्रूव करनी है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस उसमें यहाँ पर आप x एंड ले लेना यहाँ पे प्लस, और जो आइडेंटिटी में आप उसको पुट करोगे दैट शुड बी p प्लस p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। वो मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, वो आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट्स में उसका आंसर बताएंगे। पहले मैं वेट करूँगी जब तक कुछ आंसर्स नहीं आते, अब जब आई गेट सम आंसर्स तो आई विल मार्क ओवर देयर द करेक्ट आंसर, नहीं अगर किसी का भी सही नहीं हुआ तो फिर मैं करेक्ट आंसर कमेंट्स में लिख के पिन कर दूंगी, मतलब ऑल द स्टेप्स, बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट ऑफ योर ओन। तो उसका हिंट ये है कि आपको क्या करना है, आपको उसमें लेना है x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, और आप ये मान लो कि इसके अंदर हमें पुट करना है, तो इट्स लाइक आपको x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, एज्यूमिंग कि ये ट्रू है, सो दैट आपके पास रिजल्ट में 1 आ जाए। गो हैड सॉल्व इट एंड वी विल बी डूइंग मोर सच प्रूफ्स इन द अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना।